देखो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, कोई बॉडी नहीं है, पॉइंट चार्ज है, कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है वैसे भी, और आप r डिस्टेंस दूर q नॉट चार्ज रखते हो, और मुझे ये प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा विद अ फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इससे मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो एक काम करते हैं, गॉस थ्योरम को यूज करते हुए एक काम करते हैं, प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास ई तो लगाएगा, तो हम एक काम करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज यहां पे कितनी ई लगाएगा वो हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम ई निकालने में हेल्प करती है। तो उसके बाद यहां पर अगर क्यू नॉट चार्ज रखें तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू नॉट इंटू ई, तो मैं इस ई को उठा के यहां पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्यू चार्ज लें, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए काम करते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जहां ई निकालना है वहां इमेजिन करते हैं कि एक गॉशियन सरफेस है स्मॉल डीएस, तो आर डिस्टेंस दूर डीएस, आर डिस्टेंस दूर डीएस, 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 सभी डीएस को मिलाएंगे तो हवा में इमेजिनरी क्या बनेगा, एक स्फेयर, राइट, है पॉइंट चार्ज पर बनेगा स्फेयर। तो ये एक इमेजिनरी स्फेयर है, इसका एरिया वेक्टर बाहर है, प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ई और डीएस में एंगल क्या है, जीरो। तो इसका स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा, ई डीएस कॉस जीरो, ई डीएस इंटीग्रेशन करके पूरे गॉशियन सरफेस इमेजिनरी का फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो ये जो सरफेस है गॉशियन, इसका रेडियस क्या है आर, सारे एरिया मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 4 पाई स्मॉल r2। कोई डाउट इसमें? अब गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉस क्या कहता है, क्लोज बॉडी क्या है, स्फेयर, इस क्लोज बॉडी के इनसाइड बोलो कितना चार्ज है, क्या चार्ज है, क्यू, और क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो लैम्डा यूज करें सिग्मा की रो, कितने बोलते हैं रो, कितने बोलते हैं सिग्मा, कितने बोलते हैं लैम्डा, और कितने बोलते हैं नथिंग, नथिंग क्यों, क्योंकि वो तो पॉइंट चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ना तो लेंथ के ऊपर है, ना एरिया के ऊपर, ना वॉल्यूम, पॉइंट चार्ज में थोड़ा यूज करते हैं डेंसिटी, पॉइंट तो पॉइंट होता है, तो पॉइंट के लिए सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन है फिर तो यूज करो लैम्डा सिग्मा, नहीं है तो क्यू यूज करो। तो दोनों फ्लक्स के तरीकों को हमने इक्वेट किया और ई का वही फॉर्मूला आ गया जो हम ऑलरेडी यूज करते, पता तो था ही पर दिखाने के लिए गॉस थ्योरम को यूज करना ही पड़ेगा ना, तो ई का फॉर्मूला आ गया, ठीक है यहां तक। अब एक काम करते हैं, जहां पे ई आया वहां चार्ज इमेजिन कर लो कितना रखा, क्यू नॉट, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेगा, क्यू नॉट इनटू ई, ई का फॉर्मूला पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो फोर्स की वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसे?